हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं। आज की अपनी इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपसे बात ना करना उनकी मजबूरी है या फिर कुछ और। ठीक है, तो रीडिंग का टॉपिक हमारा यही रहेगा कि आपके पर्सन जो आपसे बातें नहीं कर रहे हैं तो क्या उनकी मजबूरी है या फिर कुछ और कारण है जिसकी वजह से वो पर्सन आपसे बातें नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो रीडिंग का टॉपिक यही रहेगा। देखेंगे हम आपके लिए कि आपके जो पर्सन हैं क्यों आपसे आखिर वो बातें नहीं कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम है क्या, है ना, कब बातें करेंगे, सारी चीज़ें जो हैं हम आज के अपने इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ठीक है, सो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, इस बात का ख्याल रखना है। और जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं कि आपके जो पर्सन हैं वो आपसे बातें क्यों नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं टैरो कार्ड से देखूंगी, उसके बाद जो है दूसरे डेक का मैं यूज़ करूंगी, ओरेकल डेक का। ओके, तो चलिए देखते हैं। आप अपने पर्सन के ऊपर फोकस कीजिए और देखते हैं। प्लीज गाइड की एंजल्स। ओके, प्लीज मुझे गाइड की एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। प्लीज मुझे गाइड कीजिए एंजल्स। जो लोग म्यूजिक सुन रहे हैं, जो चैनल पे म्यूजिक डाला गया है उस म्यूजिक के आप लोग सुन रहे हैं, तो 21 डेज तक, कम से कम 21 डेज तक कंटिन्यू करना है। आप लोग पूछ रहे थे कि दी कब तक कंटिन्यू करें, तो 21 डेज तक कंटिन्यू करना है कम से कम। और जो लोग पूरी तरीके से चाहते हैं उनका रिलेशनशिप अच्छा हो जाए, तो पूरे 40 दिन तक जो है, 40 डेज तक जो है आपको सुनना है। ओके, कार्ड्स निकालते हैं। ओके ओके, 1 2 3। पहले हम देखते हैं कि आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आपसे बात नहीं करना क्या रीज़न है, क्या कुछ है ना। सो ये हम कर रहे हैं, आप अपने पर्सन के ऊपर पूरा फोकस रखेंगे, पूरी तरीके से फोकस करेंगे आप अपने पर्सन के ऊपर। ठीक है, ओके, सो कार्ड्स निकल गए हैं और कार्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी और मैं कार्ड्स निकालूंगी आप सबके लिए। ओके, सो पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे दिख रहा है कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, और आप दोनों की, कुछ लोगों की मैरिज हो जाने के बावजूद कुछ लोग अलग रह रहे हैं, ऐसा भी है। ठीक है, और कुछ लोगों का दिख रहा है जैसे कि ठीक है मैरिज नहीं हुई है, लेकिन कहीं हद तक, ठीक है, कहीं हद तक जो होता है ना कि हाँ मैरिज होना, सपने देखना, वो एनर्जी मुझे यहाँ पे फील होती हुई दिख रही है। या आपकी शादी फिक्स हो चुकी होगी आपके पार्टनर के साथ, बट किसी कारणवश यहाँ पे नहीं हो पाई। ठीक है, तो आपसे बातें अचानक से बंद हो गई हैं, है ना। तो ये हम देखने वाले हैं आज की अपनी इस रीडिंग में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या कार्ड्स आए हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन आपके पर्सन का साइन हो सकता है। ठीक है, किंग ऑफ सॉर्ड्स। ओके, और कार्ड्स देखते हैं, यहाँ पे है 7 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, यहाँ पे है द स्टार का कार्ड। ठीक है, द स्टार भी है यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे डेथ का कार्ड। ओके, 8 ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, 2 ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस एंड है द लवर्स। वाओ, सो आपसे बात ना करना उनकी मजबूरी है या फिर कुछ और। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है ना, सो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन हैं, ठीक है, सबसे पहले तो आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इशूज़ है। ठीक है, आपके पर्सन ने आपको चीट किया है, आपको धोखा दिया है, आपको बहुत सारे, आपसे बहुत सारे झूठ बोले हैं इस पर्सन ने। ठीक है,
तो यहाँ दिख रहा है कि ये पर्सन परेशान है, ठीक। यहाँ पे ये पर्सन मुझे परेशान होते हुए दिख रहे हैं और आप भी बहुत परेशान होते हुए दिख रहे हो। देखो, आप दोनों के बीच में सेपरेशन हो गया है, आप दोनों बात नहीं कर रहे हो। और यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने सिर्फ अपने बारे में सोचा है, ठीक है। आपके बारे में उस टाइम नहीं सोचा है, आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो आपके बारे में ये पर्सन ने नहीं सोचा है। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा रूड तरीके से अब बातें भी करते होंगे, किसी बहाने आपकी बात भी हो जाती होगी तो ये पर्सन बहुत ही रूडली बिहेव करते होंगे आपके साथ, ठीक। यहाँ पे दिखता है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उग्र टाइप के जो रिलेशनशिप्स होते हैं ना, वो पर्सन ये यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा रूड तरीके से बात करना, सही तरीके से बात नहीं करना, सही तरीके से नहीं बोलना, है ना। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इस पर्सन की एनर्जी देख पा रही हूँ मैं कि ये पर्सन अपने आप को जो है इस तरीके से आपके सामने रख रहे हैं कि मुझे तुमसे अभी कोई मतलब नहीं है, तो मुझसे बात मत करो, ठीक है। तो मुझे नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन, ठीक है, कहीं ना कहीं इनका कर्मा जुड़ा हुआ है, ठीक। जैसा कि ये पर्सन कर रहे हैं आपके साथ जो बिहेवियर कर रहे हैं, ये बिहेवियर जो है इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हम, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन ऐसा बिहेवियर अपना दिखा रहे हैं, ठीक है। आपके साथ जो है ये पर्सन रिलेशनशिप तोड़ करके ये पर्सन चले गए हैं और अभी जो है आपसे बात ना करना इनकी मजबूरी है या फिर कुछ और। तो मुझे नज़र आ रहा है कि मैं इनकी मजबूरी को नहीं देख पा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे जितने कार्ड्स हैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि इनकी मजबूरी यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो है सोचे कि क्या बता रही हैं आप, जो यहाँ पे रियलिटी है वही मैं बताऊंगी आपको। मैं पॉलिशिंग नहीं करती हूँ, ठीक है, यहाँ पे बटरिंग नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन हैं आपका साथ जो है यहाँ पे नहीं दे रहे हैं, ठीक है, आपको टोटली इग्नोर कर रहे हैं। आप जब रास्ते में मिलते भी हो तो आपको इग्नोर करके चले जाते हैं ये पर्सन। यहाँ पे आप बहुत उदास हो रहे हो इनके बिहेवियर की वजह से, बहुत परेशान हो रहे हो। आप सोच रहे हो कि इसका बिहेवियर ऐसा मेरे साथ तो नहीं था, अब ये अचानक से क्यों हो गया है। तो आप भी कहीं ना कहीं वो सारी बातें जो है ना सोचते हुए दिख रहे हो कि आखिर ऐसा बिहेवियर क्यों, मेरे साथ ही क्यों, है ना। पहले इतना प्यार दिखाया, पहले प्रपोजल दिया, पहले बोला कि हाँ मैं प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करूँगा, रिलेशनशिप बनाया, फिजिकल हुए, है ना, और अब अचानक से ये पर्सन बोल रहे हैं कि नहीं मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, है ना। तो कहीं ना कहीं मैं देखूँ ना तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन ने आपको वाकई में चीट किया है और आपको लगा कि ये पर्सन आपका जो है सोलमेट है, आपको लगा कि ये पर्सन के साथ आपका जो कनेक्शन है वो सोल टू सोल कनेक्शन है, ठीक है। और उस समय आप अपने कार्मिक के साथ डील कर रहे थे, ठीक, आपको लगा होगा कि ये पर्सन के साथ मेरी शादी होगी, इस पर्सन के साथ मेरा जो कनेक्शन है ये आगे जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं मैं देखूँ ना तो ये आपका उस टाइम कार्मिक चल रहा था, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि ये पर्सन आपके कार्मिक हैं। देखो, मैं देख पा रही हूँ कि इस पर्सन से आप डीपली लव करते हो, बहुत ही ज़्यादा गहराई से प्यार हो है आपको, ठीक है, इस पर्सन से। और इतना ज़्यादा डीप प्यार करते हो इस पर्सन से कि आप इनको छोड़ कर के किसी और को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो। आपके पास ऑफर्स हैं, आपके पास प्रपोजल्स हैं, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऐसे प्रपोजल का, ऐसे ऑफर का, क्योंकि आप इस पर्सन से बहुत कनेक्ट फील करते हो। ये पर्सन आपके सोलमेट लगते हैं आपको, ये पर्सन से बहुत ज़्यादा डीप लेवल का प्रेम है आपका, ठीक है, आपका ट्रूली लव मैं देख पा रही हूँ। और कहीं ना कहीं आप इनके चले जाने से जो है ना यहाँ पे जो है अंदर ही अंदर जो है ना तकलीफ़ फील कर रहे हो, लेकिन वो तकलीफ़ जो है ना आप बता नहीं पा रहे हो किसी से। आपकी कमजोरी है ये, ठीक है, कि आप अपनी तकलीफ़ को नहीं बता पा रहे हो किसी से। मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन आपको कोई जो है उतना अच्छा रिस्पांस नहीं देते हैं। आप यही सोचते हो कि ठीक है चलो कर्मा है, ठीक है चलो अपना अपना कर्मा है, वो मेरे साथ ऐसा कर रहा है कल उसके साथ भी होगा, वो मुझे दुखी कर रहा है तो वो भी कल दुखी होगा। तो कहीं ना कहीं आपकी थिंकिंग जो है ना यहीं पे अटकी हुई है और आप जो है यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आपको कि आप बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हो, बहुत ही ज़्यादा परेशान, ठीक है। मैं आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए देख पा रही हूँ। देखो, मैं यहाँ पे जो
क्लियर तरीके से मैं बोलूँ ना, तो ये पर्सन ने जो है ना आपको अपने टाइम के अनुसार से आपको टाइम दिया है और तब बातें की हैं। ऐसा नहीं है कि एक लवर की तरह रात भर जग के बातें की हैं या अभी करते हैं, ऐसा नहीं है। ये पर्सन कभी बातें ही नहीं करते आपसे, ठीक है। तो मैं ये भी नहीं कहूँ कि इनकी ज़िंदगी में अभी कोई और है, नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं इनका मन मौजी टाइप का जो है ना ये रिलेशन दिख रहा है। जैसे कि आप बात करो तो ठीक है, नहीं बात करो तो ठीक है ना। तो वो वाली एनर्जी दिख रही है कि बात करो तो भी ठीक, नहीं करो तो भी ठीक। तो दोनों तरफ से इनकी बल्ले बल्ले है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है कार्ड में। चलिए कुछ और मैं कार्ड्स निकालूंगी और तब देखते हैं कि और क्या कुछ चीज़ें सामने निकल के आती हैं आपके लिए। ओके, चलिए देखते हैं। ओके, प्लीज मुझे गाइड करें एंजल्स। ओके, थ्रॉट चक्रा। ठीक है, इनको मैं जो कार्ड्स है ना क्लियर तरीके से बताऊंगी कि ये पर्सन आपसे आगे फ्यूचर में बात करेंगे भी कि नहीं करेंगे। अभी तो इनका मन मौजी चल रहा है, तो ये पर्सन क्या करेंगे फ्यूचर में, आपसे बात करेंगे भी कि नहीं करेंगे, ठीक है। मैं पहले कार्ड को क्लियर कर लूँ, देखते हैं क्या कार्ड्स निकल के आते हैं। डार्केस्ट फियर। चलो ठीक है, एक आध दो कार्ड और निकालेंगे हम। मैं ऐसे ही आपके सामने रख रही हूँ कार्ड्स को और देखते हैं, मैं ज़रूरत पड़ी ना तो कार्ड्स निकालूंगी यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे रखते हैं कार्ड को, मैंने सफल कर लिया है और मैं जो है बाद में कार्ड निकालूंगी अगर मुझे फील हुआ ऐसा कुछ तो। ओके, चलिए। थ्रॉट चक्रा। देखो, सबसे पहले तो ये पर्सन के चक्रास ब्लॉक है, मैं देख पा रही हूँ कि इनका थ्रॉट चक्रा ब्लॉक है, ठीक है। ब्लॉकेजेस इस तरीके से हैं कि ये पर्सन को आगे नहीं बढ़ने देते हैं। इनकी लाइफ में इनको आगे कब बढ़ना है, इस सिचुएशन में आगे कब बढ़ना है, ये पर्सन को बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं लग रहा है। मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे ये पर्सन जो है ना काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। और कहीं ना कहीं मैं देखूँ ना तो ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, सुकून से नहीं है। इनके ज़िंदगी में वो सुकून जो होता है ना, वो सुकून नहीं है। एक तो इन्होंने कर्म गलत किए हैं आपके साथ, आपके दिल को तोड़ करके, आपको तकलीफ़ दे करके, और ये पर्सन सोचते काफ़ी ज़्यादा हैं। इस पर्सन को रिग्रेट भी बहुत ज़्यादा फील होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील होता है। जैसा कि आपके साथ किया है, इस पर्सन ने नहीं करना चाहिए और इस पर्सन ने फिर भी किया है। तो इस पर्सन का मैं देख पा रही हूँ कि इस पर्सन को बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील होता है और हो रहा है अभी भी। ये पर्सन रिलेशनशिप को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ की एनर्जी जो है ना वो बैलेंस वाली नहीं है, एकदम से ऐसे ऐसे वाली है, ठीक है। ये पर्सन बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं अपने रिलेशनशिप को। यहाँ मैं ये भी देख पा रही हूँ ना कि आपके जो पर्सन हैं न्यू बिगनिंग करेंगे आपके साथ, ठीक। यहाँ जिस तरीके से इस पर्सन ने अभी इग्नोर किया है आपको, आपको धोखा दिया है, आपके साथ खेला है इस पर्सन ने, सिर्फ अपने बारे में सोच करके आपके साथ जो है ये रूड तरीके से बातें करते हैं, तो इनका रवैया बदलेगा, ठीक है, रवैया बदलेगा। लेकिन अभी आपको वेट करना होगा। इस तरीके से ये अपनी फीलिंग्स, ये अपने इमोशंस को छुपा रहे थे, उस तरीके से जो है ना अब ये कुछ छुपा नहीं पाएंगे। मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन आपको लेकर के यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, ओपन अप। ओके, एकदम से ये आपके लिए बातें करने वाले हैं। मुझे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन आपके लिए बातें करने वाले हैं और बातें करके ये रिलेशनशिप में जो एनर्जी है, ठीक है, इसको ये ऊपर ले जाएंगे। ये पर्सन क्लियर वे में मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन जो है ना आपकी लाइफ में ही आएंगे,
ठीक, और आपकी लाइफ में वापस आ करके आपको जो है कमिटमेंट देंगे। ठीक है, आप इंतज़ार करो, ये पर्सन बचने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं बच जाता हूँ और मैं इस रिलेशनशिप में से जो होता है ना कि हाँ निकलने की कोशिश करूँगा। नहीं निकल नहीं कर पाएंगे, आपके मैनिफेस्टेशन जो है ना इस पर्सन को है ना अपनी तरफ खींच लाएगी, और इस तरीके से ये पर्सन बेचैन हो जाएंगे। ठीक है, ये पर्सन जो देखो यहाँ पे 7 ऑफ सॉट्स यहाँ पे भी और वहाँ पे भी, ये पर्सन बहुत ज़्यादा तकलीफ जो है ना ये पर्सन को समझ में आ जाएगा कि आपने कितना साथ दिया है इस पर्सन ने, और इस पर्सन ने क्या किया है, आपसे झूठ बोला है, आपसे सच छुपाया है, अपने दिल में दिमाग में जो बातें चल रही थी वो सारी की सारी चीज़ें छुपाई इन्होंने। इस पर्सन का पहले रिलेशनशिप हो सकता है कि किसी और के साथ भी हो, अभी नहीं है बट पहले किसी और के साथ रिलेशनशिप हो सकता है। ठीक है, मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कार्ड में, यहाँ पे 8 ऑफ कप्स, ठीक है, 8 ऑफ सॉर्ड्स, सॉरी 8 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों पता नहीं क्यों, हाँ 8 ऑफ कप्स तो आया यहाँ पे भी है। ठीक है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि सोलर प्लेक्सिस चक्रा इस पर्सन का ब्लॉक है। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे आपको उदास हो, यहाँ पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन वापस आ जाएंगे लेकिन ज़्यादा टाइम लगेगा। क्लियर वे में बता देती हूँ, ज़्यादा टाइम लगेगा इस पर्सन को आपके पास वापस आने में। आप चाहोगे कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में जल्दी से जल्दी वापस आ जाए, 2 से 4 दिनों में 6 दिनों में वापस आ जाए, नहीं आएंगे ये। ठीक है, आपको बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि ये पर्सन ने आपको चीट किया है, 100% इस पर्सन ने आपको चीट किया है, आप मानो ना मानो, लेकिन इस पर्सन की मजबूरी मुझे कहीं नज़र नहीं आई है, पूरे कार्ड में नज़र नहीं आई है कि इस पर्सन की कोई मजबूरी है, कोई मजबूरी नहीं है, इस पर्सन का मन बढ़ा हुआ है। ये पर्सन का कहते हैं ना कि मन बढ़ जाने के ऊपर जो है ना कुछ लोग हमारे ऊपर जुल्म से जुल्म करते रहते हैं और हम बर्दाश्त करते रहते हैं, तो वो क्या सोचते हैं कि अरे ये तो बर्दाश्त कर रही है तो कुछ बोल नहीं रही, चलो इससे भी बड़ा काम करते हैं, इससे बड़े बड़ा जख्म देते हैं इसको। ठीक है, तो उन लोगों में से जो है ना ये पर्सन आपके हैं जो कि अपने बारे में बस सोचते हैं, आपके ये सेक्सुअल डिज़ायर्स थी इनके मन में जो कि इनकी पूरी हुई है आपसे, आपने इनके साथ फिजिकल रिलेशन बनाया है और कुछ ऐसी बातें भी की हैं जैसे कि लोग ऑनलाइन बातें करते हैं वैसे आपने भी बातें की हैं, वो सारे रिकॉर्ड्स इस पर्सन के पास हैं। ठीक है, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, देखो इस पर्सन का कर्मा है इसको छोड़ दो। ठीक है, इस पर्सन का कर्मा इसको मिलेगा। ठीक है, इस पर्सन ने आपको दर्द दिया है, तकलीफ दी है, तन्हाई दी है, आपको रुलाया है, आपको परेशान किया है, ये पर्सन भी परेशान होंगे, आप वेट करो बस, समय सबसे बड़ा बलवान होता है। ठीक है, समय सबसे बड़ा बलवान होता है और उससे बलवान कोई नहीं होता है, तो समय बदलने का इंतज़ार करें आप। ठीक है, मैं आपको यही कहूँगी। ये जो पर्सन है आपसे आगे फ्यूचर में बातें करेंगे बट वेट करो। ठीक है, ये रही आपकी रीडिंग, खत्म करते हैं रीडिंग को, मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में, बाय बाय।